गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू छात्रों, आज का हमारा विषय है मुद्रा का मूल्य। ये नया चैप्टर है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पर चार पांच वीडियो दिए हैं। उसमें आपका कैम्ब्रिज थ्योरी, कैश बैलेंस थ्योरी, ट्रांजैक्शन थ्योरी, उनमें आपस में क्वांटिटी और प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी का रिलेशन, उनकी मान्यताएं, उनकी आलोचनाएं, उनका आपस में कंपेयर और कैम्ब्रिज थ्योरी फिशर थ्योरी पर किस प्रकार श्रेष्ठ है, ये सारी बातें मैंने आपसे पिछले वीडियो में की। और उसमें ये समझाने का प्रयास आपको किया गया है कि एक व्यक्ति जो मुद्रा है या उसकी जो मात्रा है उसको अपने पास क्यों रखना चाहता है। उसके तीन उद्देश्यों की बात हमने की है कि व्यक्ति अपने जीवन में तीन उद्देश्यों को पूरा करता है, लेन देन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। उनको पूरा करने के लिए मुद्रा को नगद रूप में अपने पास रखना चाहता है। आज का जो हमारा विषय है वो हम चर्चा करेंगे वैल्यू ऑफ मनी पर, मुद्रा का मूल्य। किस प्रकार मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है उसमें किस प्रकार चेंज आता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो वस्तु हम 100 रुपए की खरीद रहे थे वो वस्तु हमें 50 रुपए में मिल जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि जो वस्तु हम 100 रुपए खरीद रहे थे वो 1000 रुपए की भी नहीं मिलती है। तो ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है उसके बदलाव है। इन सब बदलावों को पढ़ने के लिए हम वैल्यू ऑफ मनी की चर्चा करेंगे और उसमें मुख्य रूप से दो घटकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला हमारा जो कंसेप्ट है वो है मुद्रास्फीति। मुद्रा स्फीति, इसको छात्र अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं, INFLATION, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ यदि हम बात करें तो मुद्रास्फीति का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है क्रय शक्ति में तेजी आना। जब किसी इकोनॉमी के आर्थिक घटकों में उछाल आ जाता है, वो तेजी से बढ़ने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं या तेजी कहते हैं। इसके विपरीत जो घटना होती है जिसमें आर्थिक घटों में गिरावट आने लगती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि लगातार वस्तु सेवाओं के भाव गिरने लगते हैं, जिसे मुद्रा अवस्थिति काल है या मंदी काल है। तो इकोनॉमी में इस प्रकार की तेजी और मंदी के ये जो चक्र हैं, ये लगातार एक समय अवधि के बाद राउंड बाय राउंड चलते रहते हैं। कभी इकोनॉमी में तेजी की स्थिति बन जाती है, कभी इकोनॉमी में मंदी की स्थिति बन जाती है। कई बार मैंने डायग्राम के माध्यम से उन घटनाओं को समझाया और उसमें बताया गया था कि इकोनॉमी एक बैलेंस लाइन पर काम करती है। ये बैलेंस लाइन है और ये बैलेंस लाइन जो है ये संतुलित रेखा, जिस पर इकोनॉमी को आदर्श रूप में माना गया है कि यहां रुककर इकोनॉमी को काम करना चाहिए। लेकिन कुछ घटक इस प्रकार के होते हैं जिनके बदलाव होने के कारण इकोनॉमी की दिशा बदल जाती है। तो इस घटक में जब बदलाव होता है तो इकोनॉमी इस प्रकार से काम करने लगती है, इस प्रकार के साइकिल इकोनॉमी में बनता है। ये साइकिल ये बयां कर रहे हैं यहां पर कि ये जो स्थिति बन रही है ये वाली, इसमें इकोनॉमिक तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसके बाद यहां सीलिंग पर पहुंच रही इकोनॉमी, उसका जो सर्वोच्चतम शिखर है उस पर पहुंच रही है। उसके बाद कुछ घटक इस प्रकार से काम करते हैं, इकोनॉमी वापस नीचे आने लग जाती है और डाउन में चली जाती है, जिसको मंदी कहा गया है। ये मंदी की स्थिति बनती है इकोनॉमी में और ये मंदी, ये जो स्थिति बनती है ये तेजी की स्थिति बनती है। तेजी की स्थिति को तो हमने कहा है मुद्रा स्थिति, इन्फ्लेशन, और जो मंदी की स्थिति बनती है इसको हमने कहा है डिफ्लेशन, मुद्रा अवस्थिति। इसके बीच में दो क्रियाएं और होती हैं, मंदी तेजी को तो हम रोकता है और मंदी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहा गया है रिसाव, रिसेशन, या यू कह सकते हैं उसके अंदर एक तरीके से घिसा बटा रहा है, कमी आ रही है, ह्रास होता जा रहा है, रिसेशन कह सकते हैं। और जब मंदी के दौर में हम चले जाते हैं तो इस मंदी को फिर वापस इकोनॉमी को तेजी में कन्वर्ट करना होता है, तो यहां रिकवरी होता है, पुनरुत्थान। तो छात्रों, इन अवस्थाओं के बीच इकोनॉमी में क्रयशक्ति चलती रहती है और इसी अवधारणा के आधार पर दो घटक यहां बने हैं। पहला अपना है मुद्रास्फीति, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुद्रास्फीति है क्या, कितने प्रकार की मुद्रास्फीति होती है, किस कारण से इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आता है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के वर्गों पर इसके क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग की हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है।
तो यहां इन्फ्लेशन जो शब्द है वो बना है इन्फ्लैट से, इन फ्लैट, इन फ्लैट का सामान्य रूप है फैलाव, फैलाव या वृद्धि, वृद्धि, फैलाव भी कह सकते हैं और वृद्धि भी कह सकते हैं। तो इन्फ्लैट जो शब्द है इससे इन्फ्लेशन बना है, इन्फ्लैट का मतलब होता है फैलाव या वृद्धि। तो देखिए छात्रों, आप सामान्य में कई बार देखते हैं कि जब हम फुटबॉल मैच खेलते हैं तो फुटबॉल की जो गेंद होती है उसके अंदर एक ब्लैडर होता है और उसमें जब हम हवा भरते हैं तो हवा भरने के बाद वो ब्लैडर इन्फ्लैट करता है, वो फैलता है, फूलता है, प्रसार होता है उसके अंदर। तो इसी प्रकार जब आर्थिक क्रियाओं इकोनॉमी में होती है तो उन आर्थिक क्रियाओं की वजह से वस्तु सेवाओं के कीमत स्तर में इन्फ्लैट होता है, फैला होता है, प्रसार होता है, वृद्धि होती है। तो आर्थिक घटकों के वजह से किसी वस्तु सेवा का कीमत स्तर इस प्रकार से फैलता है, फूलता है, समृद्ध होता है, वृद्धि होती है, उसका प्रसार होता है। तो इस प्रक्रिया को इकोनॉमिक्स में कहा गया है मुद्रास्फीति। इसको हम शब्द सीमा में यदि रोकना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु सेवा के मूल्य में होने वाली लगातार वृद्धि, किसी वस्तु सेवा के मूल्य में होने वाली लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा गया है। सतत लगातार जो वृद्धि होगी उसमें, जैसे आज से 10 साल पहले कोई वस्तु 10 रुपए की आ रही थी और वो धीरे धीरे बढ़कर 10 साल में 40 रुपए की होगी, तो ये सतत वृद्धि है। तो इस प्रकार से सतत वृद्धि हो रही वस्तु सेवा के मूल्य में तो ये इन्फ्लेशन का रूप बनेगा। हम जब इंडेक्स नंबर में उनको कंपेयर करते हैं, सूचकांक बनाते हैं, तो सूचकांक में दो प्रकार के ईयर को हम, एक को बेस ईयर बनाते हैं, एक को करंट ईयर बनाते हैं। कि जैसे 2020 की बात की जाएगी तो 2020 हमारा करंट ईयर है, चालू वर्ष है, और इसका जो बेस ईयर बनेगा वो 2012 बनेगा, क्योंकि हमारा बेस ईयर निर्धारित कर रखा है अभी वो 2012 है। तो 2012 में वस्तु सेवाओं के मूल्य क्या थे और 2020 में क्या हो गए, तो यहां दो आधार मिलकर आपस में कंपेयर कर रहे हैं और हम ये बता सकते हैं कि जो वस्तु 2012 में 10 रुपए की आती थी वो आज बढ़कर कितने की आ रही है, 40 रुपए की आ रही है। तो उस वस्तु के मूल्य में कितना वृद्धि हुई है, तो ये चार गुना मूल्य हो गया उसका। ये चार गुना शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये किसी ना किसी परिणाम पर हमको पहुंचा रहा है कि आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले जो वस्तु 10 रुपए की आती थी आज वो 40 रुपए की आ रही है। तो हम कह सकते हैं महंगाई चार गुना हो गई है। तो ये लगातार और सतत मूल्य में जो वृद्धि है ये इन्फ्लेशन का सूचक है। छात्रों, इसको यदि हम इस तरीके से समझ सकते हैं तो दोनों घटनाओं को हम एक साथ लेंगे यहां पर, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। डिफ्लेशन जस्ट इन्फ्लेशन का विपरीत है, उल्टा है। जब इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल बढ़ता है लगातार तो डिफ्लेशन में प्राइस लेवल लगातार घटता है, उसमें मूल्य का प्रसार होता है, इसमें मूल्य का संकुचन होता है, अवमंदित स्थिति में चला जाता है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप बाजार में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लेकर जाएं, बड़ी मात्रा में पैसा लेकर जाएं और उस पैसे से आप बहुत सूक्ष्म वस्तुएं खरीद कर लेकर आ जाए, आप बड़ी मात्रा में पैसा लेकर गए और छोटी सी वस्तु सेवाएं लेकर आप घर आ गए, यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप ये मान लेना इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। जैसे वर्तमान दौर है, आप लाखों रुपए लेकर बाजार में जाएंगे, आप कुछ वस्तुएं, चंद वस्तुएं खरीद पाएंगे, इसे ज्यादा वस्तुएं नहीं खरीद सकते आप। आपने गोल्ड कुछ खरीदा है तो आप बहुत सूक्ष्म मात्रा में खरीद पाएंगे, सिल्वर खरीदा है तो बहुत कम मात्रा में खरीद पाएंगे, और सामान्य उपभोग की वस्तुओं की भी यदि अपन बात करें तो सामान्य उपभोग की वस्तुएं भी, जो गरीब व्यक्ति के संदर्भ में प्याज आलू की बात की जाती है या राशन की दाल चीनी की बात की जाती है, तो वो वस्तुएं भी आज इतनी महंगी हो चुकी है कि उनके लिए भी हमें हमारे बजट का बहुत बड़ा भाग एक्सपेंस करना पड़ रहा है। तो ये इस प्रकार का दौर यदि आप देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर मार्केट की जो दशाएं हैं वो इन्फ्लेशन की ओर जा रही है, मुद्रास्फीति की ओर जा रही है। और जब इसका उल्टा हो जाए, विपरीत हो जाए, तो ये मान लेंगे इकोनॉमी में मंदी का दौर है, डिफ्लेशन है। आप बहुत कम पैसा बाजार में लेकर जाए और बहुत ज्यादा वस्तुएं आप खरीद लाए, आप थोड़ा सा पैसा पॉकेट में रखकर बाजार गए और आप इतना उस पैसे से इतना सामान खरीद सकें कि आप गाड़ी भरकर सामान लेकर आए,
आपने चीनी भी खरीदा है, आपने दाल भी खरीदा है, आपने सब्जियां भी खरीद ली है, कपड़े भी खरीद लिए, आपने मेटालिक जो आपकी वस्तुएं हैं उनको भी खरीद लिया है उस पैसे से। इसका मतलब आपके जो मुद्रा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्रय शक्ति बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये मंदी का दौर है। तो छात्रों, ये मंदी और तेजी वाली जो प्रक्रिया है ये इकोनॉमी में इस प्रकार से चलती रहती है। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं अभी फिलहाल वो इन्फ्लेशन पे कर रहे हैं। इन्फ्लेशन पे मैंने आपको बताया कि जो अंग्रेजी भाषा का इन्फ्लेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के इन्फ्लेट से बना है, और इन्फ्लेट का शाब्दिक अर्थ होता है फैलाव, वृद्धि, विस्तार होना, प्रसार होना। तो जब वस्तु सेवाओं के मूल्य में इस प्रकार की प्रक्रिया को देखा जाता है, लगातार बढ़ता रहता है, फैलाव होता रहता है, प्रसार होता रहता है, तो उस स्थिति को हम क्या मान लेंगे? मुद्रास्फीति मान। अब अलग अलग विद्वानों ने इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई और उनको हमने क्वोटेट भी किया है। पीटरसन ने भी कुछ कहा है, ठीक है, इसके अलावा पिगू ने कहा है, सैमुलसन ने कहा है। ये आप जो समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं लक्ष्मण नाथुराम का, उसमें ये सारी परिभाषाएं क्वोटेट हैं, तो वहां से आप नोट कर सकते हैं। यदि आपके पास किताब नहीं है तो आप लाइब्रेरी से बुक ले सकते हैं और लेकर उसको अपने नोट्स में ये सारी परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। जैसे हम बात करें यहां पर, पीटरसन कह रहे हैं, विस्तृत अर्थों में मुद्रास्फीति से अभिप्राय सामान्य कीमत स्तर में होने वाली स्थायी में निरंतर वृद्धि। पीटरसन ने क्या कहा है कि मुद्रास्फीति से अभिप्राय कीमत स्तर में या सामान्य कीमत स्तर में निरंतर और लगातार जो वृद्धि हो रही है, बदलाव आ रहा है, वो इन्फ्लेशन। तो पीटरसन के अनुसार मुद्रास्फीति क्या है? कीमत स्तर में निरंतर और लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति मानता है। ऐसे हम बात करें पिगू की, पिगू ने कहा मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जबकि मौद्रिक आय उत्पादन के अनुपात में अधिक बढ़ जाती है। जितना प्रोडक्शन मार्केट में वस्तु सेवाओं का हो रहा है उससे ज्यादा यदि हमारी मौद्रिक आय बढ़ जाए, हमारी पॉकेट में ज्यादा पैसा आ जाए, तो इस दशा को आप मान लेना इन्फ्लेशन। मेरी पॉकेट में बहुत ज्यादा पैसे हैं और बाजार में वस्तु सेवाएं नहीं है, तो मैं उस पॉकेट की इनकम को उन वस्तु सेवाओं पर एक्सपेंस करूंगा, और जब उस इनकम में वो वस्तुएं मुझे नहीं मिलेंगी तो मैं ज्यादा इनकम देने को तैयार हूंगा, ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हूंगा। और जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, जो वस्तु सेवाओं का निर्माता है, वो उन वस्तुओं के बदले ज्यादा कीमत लेना चाहेगा। तो ऐसी दशा को इन्फ्लेशन कहता है प्रोफेसर पिगू। इसके अलावा प्रोफेसर सैमुलसन बात करते हैं, मुद्रास्फीति से अभिप्राय उस समय से है जिसमें कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जिस समय में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं वो इन्फ्लेशन है। तो आप पीटरसन की बात कर लें, आप पिगू की बात कर लें या सैमुलसन की बात कर लें, सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष यह है कि जब वस्तु सेवाओं के मूल्य में लगातार स्थायी रूप से जब वृद्धि होती है उनकी कीमतों में, तो आप ये मान के चलना कि वो दौर जो है वो मुद्रास्फीति का दौर है, इन्फ्लेशन का दौर है या तेजी का दौर है। अब देखिए छात्रों, यहां प्रोफेसर जेएम कीन्स की हम बात करेंगे, और जेएम कीन्स ने मुद्रास्फीति को समझाने के लिए दो प्रकार के उदाहरणों का यहां प्रयोग किया है। एक है सेमीइन्फ्लेशन, इसको कहा गया अर्ध मुद्रा स्फीति, अर्ध मुद्रा स्फीति सेमी इन्फ्लेशन, और दूसरा जो कंसेप्ट दिया है वो दिया है पूर्ण मुद्रा स्फीति फुल इन्फ्लेशन। देखिए इन दो घटनाओं का उन्होंने प्रयोग किया है, सेमी इन्फ्लेशन अर्ध मुद्रा स्फीति और पूर्ण इन्फ्लेशन पूर्ण मुद्रा स्फीति। यहां इसका मतलब क्या है? देखिए क्लासिकल जो अप्रोच है इकोनॉमिक्स का वो हमेशा पूर्ण रोजगार की दशा की बात करता है। ये कई सिद्धांतों में हम चर्चा कर चुके हैं कि क्लासिकल अप्रोच हमेशा पूर्ण रोजगार की बात करता है कि इकोनॉमी में बेरोजगारी नहीं है, सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ है और पूर्ण रोजगार की दिशा में इकोनॉमी काम कर रही है। लेकिन पहली बार केस इस बात का समर्थन करता है, इस बात की सिफारिश करता है कि इकोनॉमी कभी भी पूर्ण रोजगार में काम नहीं करती है। केस के अनुसार जो इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार की दशा है वो विशिष्ट दशा है, और जो अर्ध रोजगार की दशा है वो सामान्य दशा है। इकोनॉमी हमेशा अपूर्ण रोजगार में ही काम करती है, अर्ध रोजगार में ही काम करती है। अपूर्ण रोजगार का मतलब होता है कि इकोनॉमी में कुछ लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कुछ लोग क्या है बेरोजगार है। तो जब इकोनॉमी अर्ध रोजगार में काम करेगी तो उस घटना को केस ने जोड़ दिया अर्ध मुद्रा स्थिति, और जब इकोनॉमी पूर्ण रोजगार में काम करेगी तो
तो उस घटना को जोड़ दिया केन्स ने पूर्ण मुद्रास्फीति से। तो अर्ध मुद्रास्फीति में कीमत स्तर ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ता, कम दर से बढ़ता है, क्योंकि जब कीमत स्तर बढ़ने लगता है तो जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको रोजगार मिलने लगेगा, क्योंकि ज्यादा वस्तु सेवाओं की डिमांड इकोनॉमी में आ रही है। तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलने लगेगा, वो प्रोडक्शन करेंगे और बढ़ते कीमत स्तर को प्रोडक्शन देकर रोक रहेंगे, इसलिए उसको कहा गया है अर्ध मुद्रास्फीति। और जो पूर्ण मुद्रास्फीति है उसमें ऐसा मान लिया गया है कि सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कोई बेरोजगार नहीं है, और जब उसमें कीमत स्तर बढ़ता है तो उस बढ़ते कीमत स्तर को प्रोडक्शन बढ़ाकर नहीं रोक सकते, क्योंकि सभी लोगों को पहले से रोजगार मिला हुआ है और नया रोजगार या नए तरीके से काम देकर हम प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते, इसलिए यहां तेजी से कीमत स्तर बढ़ने लग जाता है। तो छात्रों इस घटना को किन्स ने डायग्राम के माध्यम से समझा है, तो आप देखिएगा यहां ओएक्स एक्स ओ वाई एक्स, इधर कीमत स्तर लेते हैं हम, इधर हम उत्पादन मात्रा, इसमें इस तरीके से किन्स ने इसको बनाया है, या फिर इसको यू भी कह सकते हैं, इसको देखिए इसको उत्पादन की कैसे बना रहे हैं, और इसमें एक फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन डाल रहे हैं हम, ये पूर्ण रोजगार रेखा है, पूर्ण रोजगार रेखा। कहने का मतलब यह कि इस लाइन के ऊपर या इस लाइन से आगे इकोनॉमी पूर्ण रोजगार की दिशा में काम कर रही है, और इस लाइन से पहले इकोनॉमी अपूर्ण रोजगार की दिशा में काम कर रही है। अब यहां यदि इस तरीके से हम उत्पादन को बढ़ा रहे हैं तो कीमत स्तर उस गति से नहीं बढ़ रहा जिस गति से बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां प्रोडक्शन कुछ हद तक बढ़ाया जा रहा है, कम गति से बढ़ रहा है। और इसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद यदि हम रोजगार को बढ़ा रहे हैं कीमत स्तर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो यहां देखिए E1, E2, E3, E4 E संतुलन का बिंदु है, चाहे इकोनॉमिक पूर्ण रोजगार की दिशा में, इससे पहले की दिशा को कहा गया है अर्ध मुद्रा स्थिति, अर्ध मुद्रा स्थिति। पर इस ई बिंदु के बाद जो दशा है इसको कहा गया है पूर्ण मुद्रा स्थिति, फुल इन्फ्लेशन। अब ये सेमी इन्फ्लेशन क्यों है, ये फुल इन्फ्लेशन क्यों है, तो यहां मैंने आपको बताया कि इससे पहले कुछ उत्पादन के साधन जो है वो बेरोजगार है, जैसे कीमत स्तर बढ़ेगा तो उन बेरोजगार साधनों को रोजगार देकर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, और जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में फिर कीमत स्तर नहीं बढ़ेगा, कीमत स्तर कम गति से बढ़ रहा है, M1 से E1 और M2 से E2, ये M से E, ये M3 से E3 और ये M4 से E4। तो यहां कीमत स्तर कम बढ़ रहा है, इसकी तुलना में यहां कम बढ़ रहा है, फिर इसके बाद जो फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो कीमत स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है, विस्फोट का है। तो इस एक्सक्लूड जो पोजिशन यहां बनी हुई है इसको केन्स ने पूर्ण मुद्रा स्थिति का नाम दे दिया, जो पूर्ण रोजगार के बाद जो दशाएं उत्पन्न होती है जिससे इन्फ्लेशन आता है पूर्ण मुद्रा स्थिति हो गया, और जो अपूर्ण रोजगार की दिशाओं में इन्फ्लेशन बनता है उसको केन्स ने अर्ध मुद्रा स्थिति का नाम दे दिया। तो छात्रों यहां इस घटना को समझाने के लिए प्रोफेसर केन्स ने ये डायग्राम के माध्यम से दो प्रकार से इकोनॉमी को बांट लिया है, एक पूर्ण रोजगार की दिशा में, दूसरा अपूर्ण रोजगार की दिशा में। पूर्ण रोजगार का मतलब है कि उत्पादन के सभी साधनों को रोजगार मिला हुआ है, अपूर्ण रोजगार का मतलब है कि उत्पादन के कुछ साधन जो है वो रोजगार में है और कुछ साधन बेरोजगार में है। तो जब कुछ साधन बेरोजगार में है
तो उत्पादन को बढ़ाया जाना संभव है, इसलिए कीमत स्तर नहीं बढ़ेगा। और जब सभी साधनों को रोजगार मिला हुआ है तो उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए कीमत स्तर तेजी से बढ़ेगा। तो जब कीमत स्तर तेजी से बढ़ेगा फुल इन्फ्लेशन बनेगा, और जब कीमत स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा कम गति से बढ़ेगा तो उससे इन्फ्लेशन बनेगा। तो छात्रों यहां आज की वीडियो में मैंने आपको इन्फ्लेशन को डिफाइन किया है, इन्फ्लेशन होता क्या है उसको परिभाषित किया है, पिगू पीटरसन और सैमुएलसन की परिभाषाएं आपको बताई है। प्रत्येक परिभाषा का निष्कर्ष यही निकलता है कि वस्तु सेवाओं के मूल्य में निरंतर और लगातार स्थायी जो वृद्धि होती है वो इन्फ्लेशन बनता है। व्यापक तौर पर इस इन्फ्लेशन को प्रोफेसर जे एम केन्स ने समझाया है। जे एम केन्स ने इन्फ्लेशन को दो प्रकार से विभाजित करके समझाया है, अर्धमुद्रास्फीति और पूर्ण मुद्रास्फीति। पूर्ण मुद्रास्फीति में पूर्ण रोजगार की दशा को शामिल किया है और अर्धमुद्रास्फीति में अपूर्ण रोजगार की दशा को शामिल किया। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार, कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, किस किस प्रकार की दशाओं में बाजार में इन्फ्लेशन हमें दिखाई देता है उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके कॉज और इम्पैक्ट और इसके सजेशंस कैसे इसको दूर किया जाएगा उसके सुझाव वो करेंगे। थैंक यू।